बिहार में महागठबंधन से हटकर एक झटके में एनडीए के पाले में आए नीतीश कुमार से वो लोग तो नाराज हैं ही जो इस फैसले से सत्ता से दूर हो गए, लेकिन उनके साथ ही नीतीश के कुछ पुराने साथी और समर्थक भी उनसे नाराज चल रहे हैं। अब चुनाव की आहट सुनकर लगता है नीतीश कुमार नाराज लोगों को मनाने में जुट गए हैं। जाहिर है सभी की नाराजगी तो दूर नहीं की जा सकती, लेकिन मुख्यमंत्री उन लोगों को जरूर मनाना चाहते हैं जो अगले चुनाव में उनके फिर से सत्ता में आने के समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। सबसे पहले नीतीश का ध्यान मतदाताओं की नाराजगी दूर करने पर है। बक्सर में 12 जनवरी को नीतीश की समीक्षा यात्रा के दौरान काफिले पर हुए पथराव की घटना को विपक्ष सरकार के खिलाफ नाराजगी और खास तौर पर नीतीश कुमार के एनडीए से हाथ मिलाने को लेकर लोगों के गुस्से के तौर पर हवा दे रही है। पुलिसिया कार्रवाई को सरकार का दमन बताते हुए पिछड़ों की नाराजगी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार समय रहते विपक्ष के इस हमले को नाकाम करने और जनभावना को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बोलते हुए कहा कि अगर गांव में लोग भड़के नहीं होते तो हम उतरकर उनसे बात करते, लेकिन ढेले पत्थर चलने लगे। हमने डीजीपी से कहा है कि इस घटना की ठीक से जांच कीजिए और तब तक किसी को मत पकड़िए, और जो पकड़े गए हैं उनकी बेल के लिए सरकार के तरफ से विरोध नहीं होगा। किसी ने ढेला चला भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि उस मामले की जांच पटना के कमिश्नर आनंद किशोर और पटना क्षेत्र के आईजी नैयर हसनैन कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने भी आई है कि हमला पूर्व नियोजित था, जिसमें 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 50 अज्ञात पर केस दर्ज है। इन लोगों को मनाने के साथ ही नीतीश कुमार बिहार में पिछड़ों के नेता के तौर पर उभरे अपनी ही पार्टी में रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे अलग होकर नई पार्टी बना ली है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी सरकार में तो हैं, लेकिन एनडीए खेमे से सत्ता के बदलते समीकरण को समझते हुए शायद नीतीश कुमार अब मांझी से नजदीकी बढ़ाने में जुट गए हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। जीतन राम मांझी जब सीएम आवास पहुंचे तो वो अपनी एम्बेसडर कार पर सवार थे, लेकिन जब बाहर निकले तो नई फॉर्चूनर गाड़ी में। इस मुलाकात के दौरान मौजूद हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान की माने तो जैसे ही मांझी ने मुख्यमंत्री को गाड़ी की गड़बड़ी को लेकर अपनी सुरक्षा संबंधी समस्या बताई, मुख्यमंत्री ने अपने आवास में खड़ी एक बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर कार उन्हें सौंप दी। अब इन तरीकों से नीतीश कुमार लोगों की नाराजगी दूर करने में कितना कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में बदले सियासी समीकरण ने नीतीश कुमार को सचेत कर दिया है। वो लोगों की नाराजगी को अपने और कुर्सी के बीच कोई रुकावट बनने देना नहीं चाहते। शायद इसीलिए समय रहते अपने तरीके से नाराज लोगों को अपने पक्ष में करने की कवायद की जा रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।